डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत में मुद्रा पूर्ति के बारे में, यानी कि भारत में मुद्रा पूर्ति किस प्रकार होती है और उसके लिए न्यूनतम आरक्षित प्रणाली क्या है रखी गई है, न्यूनतम आरक्षित कोष कितना रखा गया है, इस बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कि बाज़ार में मुद्रा की आपूर्ति करना रिजर्व बैंक का कार्य माना जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बाज़ार में जो मुद्रा आपूर्ति करते हैं वो किसका कार्य होता है, रिजर्व बैंक का कार्य होता है। और जो लोगों के पास जमा होती है, आम लोगों के पास जो धनराशि होती है, सरकार के पास जो धनराशि होती है और रिजर्व बैंक के पास जो धनराशि होती है, इन तीनों की धनराशियों को हम क्या कहते हैं, मुद्रा का कुल स्टॉक कहा जाता है। मुद्रा का कुल स्टॉक जो होता है, इसको मुद्रा पूर्ति की अवधारणा, मुद्रा पूर्ति की जो अवधारणा है वो कैसी हुई, स्टॉक की हुई, क्योंकि मुद्रा पूर्ति का जो है कुल स्टॉक होता है, आम लोगों के पास जो धनराशि होती है वो, और सरकार के पास धनराशि है ये, और रिजर्व बैंक के पास जो धनराशि है वो, ये तीनों मिलाकर जो क्या होती है, मुद्रा का कुल स्टॉक होता है। तो मुद्रा पूर्ति की अवधारणा भी कैसी हुई, स्टॉक के रूप में हुई। मुद्रा आपूर्ति से तात्पर्य क्या है कि मुद्रा आपूर्ति से यानी कि मनी सप्लाई से मतलब यह है कि मुद्रा के स्टॉक के उस हिस्से से है जो किसी समय प्रचलन में है, यानी कि जो मुद्रा का जितना स्टॉक है उसमें से कुछ वो हिस्सा जो किसी भी समय प्रचलन में हो रहा है, लोगों के पास लेन देन में यूज में हो रहा है, अर्थात लोगों के पास उपलब्ध रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुद्रा आपूर्ति कहते हैं, मनी सप्लाई कहते हैं। किसी भी देश में अर्थव्यवस्था से जुड़ी मौद्रिक नीति के निर्माण के लिए नीति निर्धारक को मुद्रा के प्रवाह के स्तर और उसमें परिवर्तन की जानकारी आवश्यक होती है। यानी कि कोई भी देश है, उसकी अर्थव्यवस्था से जुड़ी मौद्रिक नीति का अगर निर्माण किया जाता है, तो जो भी व्यक्ति या भी जो भी संस्था जो है नीति निर्धारक होती है, यानी कि जिसको ये नीतियाँ बनानी होती है, उसको मुद्रा के प्रवाह के स्तर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उसमें परिवर्तन की जानकारी भी आवश्यक होनी चाहिए कि कितनी परिवर्तन हो रहा है। नोट की बात यहाँ पर यह है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि भारत में 1957 में ही न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अस्तित्व में है। यानी कि भारत में जो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली से मतलब यह है कि अगर रिजर्व बैंक कुछ नोट जारी करती है तो उसके बदले में उसे अपने पास स्वयं के पास क्या करना पड़ता है, कुछ मात्रा रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है। तो ये जो प्रणाली है ये निश्चित की गई है 1957 में। इसके तहत क्या करना पड़ता है, रिजर्व बैंक के द्वारा नोट जारी करने के लिए स्वयं के पास 200 करोड़ रुपये रिजर्व के रूप में रखे जाते हैं। रिजर्व बैंक जो है अपने पास 200 करोड़ रुपये रिजर्व के रूप में रखेगी, और रिजर्व के रूप में जो रखे गए 200 करोड़ रुपए, उनमें से 115 करोड़ रुपए स्वर्ण के रूप में वो रखेगी। यानी कि 115 करोड़ रुपए के तक का स्वर्ण अपने पास, सोना अपने पास वो रखेगी, एवं 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूति भी अपने पास शामिल रखेगी। यानी कि जो 200 करोड़ रुपए उसको इस तरह से डिवाइड किया गया है कि रिजर्व बैंक जो है 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण रखेंगे और 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियाँ जो है अपने पास रखेगी, तब जाके वो कितना भी नोट जारी कर सकती है। इतना स्टॉक में अपने पास रिजर्व के अंदर इतना रखती है, इस मूल्य तक जो जिसको बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित कोष या न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जिसे कहते हैं, तो इतना न्यूनतम आरक्षित कोष रखने के बाद रिजर्व बैंक कितने भी नोट जारी कर सकती है, कितनी भी जरूरत हो उतने नोट जारी कर सकती है। भारत में नोट एवं प्रतिभूतियों के छपाई केंद्र, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत में नोटों की छपाई कहाँ होती है और जो प्रतिभूतियाँ होती है उनकी छपाई कहाँ पर होती है, उन जगहों के बारे में यहाँ पे, उन सेंटर के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है वो होती है नासिक के अंदर, नासिक के अंदर ये प्रेस स्थित है। करेंसी नोट प्रेस, यानी कि जो करेंसी है वो उसका जो नोट है उसकी प्रेस है नासिक के अंदर। बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है, और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में, और सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थित है। तो ये जो है प्रमुख केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे भारत में नोटों और प्रतिभूतियों की छपाई की जाती है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं, भारत में मुद्रा पूर्ति के तीन तत्व हैं, यानी कि जो मुद्रा पूर्ति है उसमें तीन अवयव काम करते हैं। मुद्रा पूर्ति किस किस रूप में होती है, सिक्के के रूप में होती है, कागजी मुद्रा के रूप में, कागजी मतलब नोट कागजी मुद्रा के रूप में होती है, और मांग जमाओं के रूप में भी होती है। यानी कि मांग जमाएँ वो जो बचत खाते में होती है, यानी कि जो आम जनता होती है उनकी जो सेविंग अकाउंट में जो भी मनी सेविंग की हुई होती है वो, तो इनमें ये तीन जो मुद्रा पूर्ति के अंदर तीन अवयव शामिल किए गए हैं। सिक्के के बारे में हम देखते हैं कि सिक्के जो होते हैं धातु के
धातु के जो सिक्के बने होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि सिक्के जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं और इन सिक्कों का जो आंतरिक मूल्य है यानी कि ये जो धातु यूज की जाती है उसकी धातु का जो आंतरिक मूल्य है वो इस पर अंकित मूल्य से अधिक होता है। कागजी मुद्रा जो है वो रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, यानी कि जो कागजी मुद्रा मतलब जो नोट है वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। पहले जो नियम था उसमें क्या था कि पूर्व में जितनी मात्रा में पत्र मुद्रा जारी की जाती थी, जितने नोट जारी किए जाते थे उतनी ही मात्रा में रिजर्व बैंक के पास कोष रखना पड़ता था, यानी कि अगर 200 रुपये का नोट जारी करना है तो 200 रुपये तक ही उसके अंदर रिजर्व बैंक में कोष में रखा जाता था, फिर उसके बदले में उतने ही नोट छापे जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, न्यूनतम मात्रा निश्चित कर दी गई है, एक निश्चित कोष आरक्षित, न्यूनतम आरक्षित कोष निश्चित कर दिया गया है जिसमें क्या रखा गया है कि रिजर्व बैंक जो है अपने पास 200 करोड़ रुपए तक कोष अपने पास जमा रखेगी और उसके बदले में वो कितने भी नोट छाप सकती है। तो इसके लिए क्या रखा है, 200 करोड़ रुपए को भी उन्होंने डिवाइड किया है कि स्वर्ण के रूप में 115 करोड़ रुपए रखेंगे, यानी कि इतना सोना रखेंगे कि उसकी वैल्यू जो है 115 करोड़ रुपए हो, यानी कि 115 करोड़ रुपए तक का सोना रखेंगे और 85 करोड़ रुपए तक की विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास संरक्षित रखा जाएगा और उसके बाद में रिजर्व बैंक जो है कितने भी नोट जारी कर सकता है। अब आगे हम देखते हैं मांग जमाओं के बारे में कि मांग जमाएं क्या होती है, जो तीसरे मुद्रा पूर्ति का जो तीसरा अवयव है मांग जमा, वो उससे मतलब क्या है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जनता की उस पूंजी से, यानी कि मांग जमा की से मतलब वो है कि जनता की वो पूंजी जो सरकारी बैंकों के बचत खातों में जमा होती है, यानी कि सेविंग अकाउंट के अंदर जमा होती है, उसको मांग जमाएं कहते हैं। और भारत में जो है यह मुद्रा पूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि मुद्रा पूर्ति करने का सेविंग अकाउंट के अंदर जो भी पूंजी रखी जाती है वो क्या है, भारत में मुद्रा पूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है कि मुद्रा पूर्ति के बारे में हमने यहाँ पे देखा है, न्यूनतम आरक्षित कोष प्रणाली के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है और भारत में नोटों एवं प्रतिभूतियों की छपाई केंद्र के बारे में हमने यहाँ पे देखा है और भारत में पूर्ति के जितने तत्व हैं, तीन तत्व जो अवयव हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर समझा है। और आशा है कि आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम पिछले कुछ दिनों से मुद्रा पूर्ति या मुद्रा से संबंधित जो है इसमें बारी बारी से कंटिन्यू वीडियो डालते आ रहे हैं, तो आप इसको पूरा जितने भी वीडियो डाले गए हैं उनको बड़े ध्यान से समझिए और उनको पढ़िए, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये जो है मुद्रा के बारे में या इकोनॉमिक्स में जो है, इकोनॉमिक्स से संबंधित या इसके बारे में जो है बहुत अच्छी आपको नॉलेज प्राप्त होगी। तो आज के वीडियो में आज इतना ही और इसी को आगे बढ़ाते हुए कल हम फिर इसी से नया टॉपिक लेके आएंगे, इसी से संबंधित नया टॉपिक लेके आएंगे और आप इसे ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।